सुबाई वजीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की गवर्नमेंट टीबी हॉस्पिटल बिलालगंज में आमद। हॉस्पिटल में नए ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। वजीरे सेहत पंजाब का कहना था कि अवाम की बेहतरी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिशन है। हर यूनियन काउंसिल में 2 से 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने के मंसूबे पर काम जारी है। ट्यूबवेल की तंसीब से इलाके में वाटर सप्लाई का दरीना मसला हल हो गया है। इफ्तिताह करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक जो वाटर सप्लाई का जो एक मुसलसल मसला है कि नलकों में पानी नहीं आता, पानी नहीं है, पानी का मसला है, वो आज कम से कम उन 12,000 अफराद के लिए तो खत्म हो गया जिनकी एक मुसलसल शिकायत थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि दिसंबर के आखिर तक पंजाब के तमाम अजला में हेल्थ कार्ड्स जारी कर दिए जाएंगे। मंसूबे के तहत 36 अजला में 92 लाख अफराद को हेल्थ कार्ड्स दिए जाएंगे, जबकि सूबे भर के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी शोबों को मुकम्मल फाल किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हेल्थ कार्ड जो हमारा एक वादा था अपना आवाम के साथ, वो हमारा वादा इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में हम पहले हेल्थ कार्ड जो हैं वो साउथ से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद, तारक सना बाजवा, अब्दुल मन्नान समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन फायज नूर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़।